हमारे पीछे ये राम सेतु है। भगवान राम के पद चिन्हों को तलाशता हुआ पटना से चलकर एक यूट्यूबर पहुंच गया है रामेश्वरम की इस राम सेतु पर। धनुषकोड़ी का ये वो पॉइंट जहां से बोलते हैं कि यहीं से राम सेतु बना था श्रीलंका तक जाने के लिए। भारत का ये आखिरी छोर है जहां तक आप सड़क मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं, और यहां के बाद समुद्र और समुद्र के अलावा कुछ नहीं। कहते हैं कि यहां से कुछ ही किलोमीटर अगर आप शिप से जाएंगे तो आप श्रीलंका पहुंच जाएंगे। आज इस वीडियो में हम उन तमाम चीजों को तलाशेंगे कि क्या सच में ये राम सेतु ही है और ये वही रास्ता है जिसके द्वारा भगवान राम इंडिया से चलकर यानी भारत से चलकर श्रीलंका तक पहुंचे थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि जब 64 में साइक्लोन आया था तो पूरा धनुषकोड़ी बर्बाद हो गया, लेकिन उस समय रेलवे लाइन बिछा हुआ था कि यहाँ तक, यहाँ पोस्ट ऑफिस थी, यहाँ चर्च था, तो लोग सीधा ट्रेन मार्ग के जरिए यहाँ पहुँचते थे, यहाँ से फिर शिप से श्रीलंका जाते थे। आज भी उसके प्रमाण है, और कहते हैं कि भगवान राम इसी रास्ते से लंका तक गए थे, ये सबसे नज़दीक, और इसी रास्ते से राम सेतु का निर्माण हुआ था। आप भी अगर आएंगे तो आपको ये महसूस होगा। ये देखिए सीधा इधर से देखिए कैसे भारत से श्रीलंका को यह धनुषकोड़ी से होते हुए राम सेतु आपस में जोड़ रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ के बाद ये समुद्र के तलहटी में ये रास्ता साफ दिखाई देता है अगर आप सेटेलाइट इमेज में देखें तो। धनुषकोड़ी के अचल मनाई में यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर समुद्र और समुद्र के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। ऊपर भी नीला आसमान तो नीचे ये नीला समुद्र। जहाँ तक आप देखेंगे देख लीजिए नीला आसमान और नीला समुद्र और कुछ नहीं दिखता। अगर आप भी इस तरह से बाहें फैला करके टाइटैनिक पोज में फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो धनुषकोड़ी या धनुषकोटी के बीच पर आ सकते हैं। यहाँ देखिए पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ एक बार जो है ऐसे इस पोज में फ़ोटो खिंचवा लेना चाहते हैं। यहाँ से श्रीलंका की दूरी कुछ ही किलोमीटर है, और अगर आप चल करके जाएंगे तो श्रीलंका बाय बोट इधर से पहुँच सकते हैं, इसलिए हाई सिक्योरिटी जोन इधर से। इधर धनुषकोड़ी आने के बाद इधर में मैसेज आ गया मोबाइल पर, वेलकम टू श्रीलंका और द एयरटेल्स इंटरनेशनल रोमिंग पैक, इंजॉय 1 GB डेटा एंड 100 मिनट्स ऑफ इनकमिंग फ्री। मतलब समझ लीजिए धनुषकोड़ी में श्रीलंका का एयरटेल का नेटवर्क मिलने लगा, यानी रोमिंग शुरू हो गया। तो समझ सकते हैं श्रीलंका वहाँ से कितना दूर है। अगर यहाँ से देखें आप तो जहाँ तक नज़रें जाएंगी वहाँ तक नीचे पानी और ऊपर जो है आसमान, नीला आसमान और नीला पानी दिखता और कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ किनारे अगर आएंगे तो यहाँ मछलियों को आप देख सकते हैं, समुद्री कई तरह की मछलियाँ, अलग अलग कलर की मछलियों को जो आप घरों में सजा करके रखते हैं उसको यहाँ नेचुरली देखेंगे वो पानी में तैर रही है। यहाँ देखिए कैटफिश का झुंड जो है इधर में आया हुआ है, और एक एक साथ जो है हजारों की संख्या में मछलियों को यहाँ देख सकते हैं, पूरा मच्छी भरा हुआ है इसके ऊपर, देखिए जाल में पूरा मच्छी भरा हुआ है, और ले करके ये देखिए छोटा छोटा मछली है, ये देखिए छोटी छोटी मछलियाँ, अरे सुंदर लग रहा क्या है, चमक रहा है वो व्हाइट 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 ब्लू, किस किस कलर में है ये। इसमें अगर जाल मारेगा तो सब फंस जाएगा ये। ये भी मछलियाँ है ये, छोटा अच्छा ये छोटा कैटफिश है, पैदा हुआ है अभी, फ्रेशली पैदा है, पैदा हुआ है झुंड में, ये सब हमेशा झुंड में होता है। ये देखिए मछलियों को, उसके साथ में ये छोटा छोटा और मछली, और ये मज़ा आ जाता है देख के। या वहाँ सामने देखिए बड़ी मछलियाँ, थोड़ी बड़ी है इससे, वो आ रही है उधर में। तो किनारे अगर बैठेंगे तो ये सब चीज़ें दिखेगा आपको, और ख़ासकर रामेश्वरम एक बंडल पैक है। अगर समुद्र के किनारे पर आप घूमना चाहते तो धनुषकोड़ी के साथ में ये जो आंचल मलाई बोलते हैं इसको, आखिरी पॉइंट है ये यहाँ से इंडिया का, और इस छोर तक आप आ सकते हैं बाई रोड, NH 49 यहाँ तक लेकर के आता है, और यहाँ से श्रीलंका की दूरी कुछ ही किलोमीटर है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि भगवान राम इसी रास्ते से राम सेतु बना करके श्रीलंका तक गए थे, जब वो माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए या कहिए तो रावण से लड़ाई लड़ने को जा रहे थे। तो बड़ी लंबी कहानी है उसका, जब कहते हैं कि श्रीलंका फतह करने के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो वो जब वापस लौट रहे थे तो यहाँ पर जब राज्याभिषेक हुआ, आगे एक मंदिर है वहाँ बताते हैं लोग, तो उसके बाद विभीषण ने कहा कि ये जो रास्ता आपने बनाया है इससे कई लोग इधर से
सीधे जमीनी तौर से जुड़ गया है, श्रीलंका पहुंच जाएंगे, इसलिए आप इसे तोड़ दीजिए। तो भगवान राम ने धनुष से मारा और उस पुल को तोड़ दिया, इसलिए कहते हैं कि धनुषकोड़ी, उसी दिन से इस जगह का नाम हो गया। ये पुरानी की कहानी है। और उसके साथ ही जो 1964 में साइक्लोन आया था, वो उसके बर्बादी का, या कहिए तो उस समय जो तबाही मचाया था, उसके कई सबूत हैं यहाँ। कहते हैं कि पहले चेन्नई से सीधा रेलवे लाइन यहाँ तक कनेक्टिविटी था, रेलवे लाइन से यहाँ तक लोग आते थे, फिर शिप के जरिए श्रीलंका जाते थे। लेकिन अब जो है, आप अगर आएंगे तो रामेश्वरम तक ट्रेन लेकर के आती है, रामेश्वरम के बाद बाय रोड आपको यहाँ आना होता है। यहाँ आएंगे तो ये जो पॉइंट है अपने आप में सुंदर, और आज जो है ये एक व्यू पॉइंट की तरफ इसको डेवलप कर दिया सरकार ने। सीधा हाईवे रामेश्वरम से चलकर यहाँ तक आती है। यहाँ एक जो है बीचों बीच इस धनुषकोड़ी में के व्यू पॉइंट पर अशोक स्तंभ स्टेबल किया गया है, जिसमें देखिए ऊपर जो है शेर लगे हुए हैं, जैसे अशोक स्तंभ में होता है। और यहाँ से अगर आप सामने देखें तो पूरा ब्लू ही ब्लू सब कुछ दिखेगा, ऊपर आसमान भी ब्लू और नीचे जो है समुद्र भी ब्लू। बड़ा मोहक, बड़ा ही सुंदर, जिसको समुद्र देखना हो इससे सुंदर और जगह नहीं हो सकता समुद्र को देखने के लिए। आपके तीनों छोर पर इधर से लेकर के अगर कैमरा पैन हो तो यहाँ से अगर देखना शुरू करें आप अशोक स्तंभ की तरफ से, इधर से ऐसे घूमेगा, ये चारों तरफ ऐसे कैमरा घूमेगा तो घूम करके आपको समुद्र ही दिखाता हुआ यह इस तरफ में पहुँचेगा। और ये जो एरिया है देखिए, लोग कैसे नज़दीक आकर के यहाँ से सेल्फी ले रहे हैं। फोटोग्राफी का भी कई ऑप्शन है, कई फोटोग्राफर यहाँ अपना प्रिंटर लेकर के बैठे हैं, जहाँ आप तुरंत फोटोग्राफी करा करके अपना प्रिंट ले सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था है। आम खाना हो तो आप भी रामेश्वरम आइए। देखिए कच्चा आम इधर में ये काट के रखा गया, आप खा सकते हैं इसको। और इधर में देखिए ये बड़ा आम है, यहाँ सालों भर मिलता है ये। अगर आपको भी ऑफ सीज़न में आम खाने का आनंद लेना हो तो आप इधर आ सकते हैं। ये देखिए ये दूसरा आम है, ये पका हुआ लग रहा है, ये देखिए पका हुआ है, ये खुशबू नहीं है इसमें, नो कोई खुशबू नहीं है आम में, लेकिन आम है इधर में। आपको भी कभी भगवान राम के पदचिन्हों को देखना है, या आप भी चाहते हैं क्या सच में रामायण काल में यहाँ पर राम सेतु बना था, तो आप सीधा धनुषकोड़ी जाइए। धनुषकोड़ी से ये जो रास्ता यहाँ तक लेके आएगा, जिसे आप देखेंगे दोनों ही तरफ समुद्र, 20 से जब आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आपको महसूस होगा कि आप उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं जब जिस पर कभी चलकर भगवान राम श्रीलंका तक पहुँचे थे। इसी तरह का और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिलते हैं, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।